हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी बिल्कुल। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, लाइन के दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 11, y, और हमें ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट पी है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशियो, ठीक है, तो मैं एज्यूम कर लेंगे लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के इज टू वन। हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट पी है वो इस लाइन ए बी को के इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तब जो हमने रेशियो एज्यूम कर लिया, तो समझो हमें ये पता चल गया कि रेशियो दिया हुआ है, लाइन का एंड पॉइंट दिया हुआ है, हम पी के कोऑर्डिनेट को खोजेंगे, पी का कोऑर्डिनेट पहले से ही पता है तो हम लास्ट में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। लेट पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के इज टू वन, ठीक है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, पी का कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, के इंटू नाइन, नाइन के बन गया, प्लस वन इंटू फाइव, फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन के प्लस वन, कॉमा के इंटू ट्वेंटी, ट्वेंटी के प्लस वन इंटू फाइव, फाइव हो गया अपॉन के प्लस वन। ये मिल गया हमें पी का कोऑर्डिनेट, और पी का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है हमें, नाउ इक्वेट कर देंगे हम 9k प्लस 15 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू, ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 11 के बराबर, और ये जो पार्ट है 20k प्लस 5 अपॉन के प्लस 1 ये हो जाएगा y के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, k के वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो y का वैल्यू भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है k और y, तो हमें पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k प्लस 1 उठ के उधर चला जाएगा, तो 9k प्लस 15 इक्वल टू 11k प्लस 11, 11k इधर आके माइनस हो जाएगा, 9k माइनस 11k माइनस 2k, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4, तो k इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, ये k का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है, k इक्वल टू 2। तो जो रेशियो हमें फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड रेशियो था हमारा, रिक्वायर्ड रेशियो जो था के इज टू वन, यानी 2:1, ये हमें पता चल गया रेशियो, जो फाइंड द रेशियो, ठीक है। अब जो के का वैल्यू आया है, के वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, 20:2 प्लस 5 अपॉन 2+1 इक्वल टू वाई, तो 20:2 40, 40 प्लस 5 45 अपॉन 3 इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू आ गया 15, ठीक है, तो y का वैल्यू 15 और रेशियो हो गया 2:1, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।